स्टार्ट करते हैं, आपको एक बुकलेट दी थी ग्रीन कलर की जिसमें सिर्फ डेरिवेशन है एनसीईआरटी की, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हमने ऑलरेडी कर लिया। तो आज हम करेंगे, टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हम इस टॉपिक में ये प्रूव करेंगे कि आपके पास अगर मान लो तीन कैपेसिटर्स हैं और तीन कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, C1, C2 एंड C3 सीरीज में है, और आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बना देते हैं CS। तो अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में हैं और अगर वो सीरीज में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स बनाते हैं या नहीं बनाते, तीन कैपेसिटर्स ने अलग अलग एनर्जी स्टोर की, मान लो 10 जूल, 5 जूल और 5 जूल, कुल मिला के कितनी 20 जूल। और अगर आप उन तीन की जगह एक कैपेसिटर ले लें तो वो एक कैपेसिटर भी 20 जूल एनर्जी ही सेव करेगा। तो ये मुझे प्रूव करना है, चाहे आप एक में करवा लो चाहे आप तीन अलग अलग में करवा लो, आंसर सेम आएगा। इसको एनर्जी कंजर्वेशन भी बोला जा सकता है। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुपिंग ऑफ सीरीज के अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर सीरीज में है, C1, C2 एंड C3। और अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उनकी क्या होगी, CS। CS का मतलब, CS क्या होगा, 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सबको मालूम है। तो एनर्जी के हमने तीन फॉर्मूलाज किए थे, पहला फॉर्मूला किया था हाफ इंटू क्यू इंटू वी, दूसरा फॉर्मूला किया था हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला किया था हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। जब कैपेसिटर सीरीज में हो तो आप प्रेफर करें कि एनर्जी का फॉर्मूला ये यूज करें जिसमें चार्ज आता है और वी नहीं आता, क्योंकि जिसमें चार्ज आता है उसके अंदर, क्योंकि सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, सेम, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जब पैरेलल का क्वेश्चन आए तब फॉर्मूला यूज करें हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वी की वैल्यू पैरेलल में क्या रहती है, सेम। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें टोटल एनर्जी मान लो जब कैपेसिटर सीरीज में है तो आपने क्या लगाया, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सीएस। तो इस केस में 1/CS क्या होता है, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो आप 1/CS की जगह वैल्यू पुट करें 1/C1, 1/C2, 1/C3 और इन्हें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब क्योंकि तीन कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में, तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स के ऊपर क्यू चार्ज है, सीरीज के ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा। तो आप चेक कर सकते हैं क्यू चार्ज तीनों में सेम है, कैपेसिटी C1, C2, C3, तो फर्स्ट कैपेसिटर पे एनर्जी क्या आएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1, सेकंड के ऊपर क्या आएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C2, थर्ड के ऊपर हाफ क्यू स्क्वायर बाय C3। तो आप ऐसा मान सकते हैं जो टोटल एनर्जी सीरीज में थी वो U1 प्लस U2 प्लस U3 के इक्वल होगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि चाहे आप इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर करवा लो तीन कैपेसिटर्स की या इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स में करवा लो, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, दोनों में सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, अब सेम चीज हम क्या प्रूव करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो आपके पास तीन कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। हालांकि हम हाफ क्यू स्क्वायर बाय वी भी यूज कर सकते थे, क्यू स्क्वायर बाय सी, हम क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें क्यू का चक्कर ना डालें, क्योंकि क्यू डिवाइड हो जाता है पैरेलल में। तो इसमें हम क्या यूज करें, हम वी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हाफ सी पी वी स्क्वायर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी पी है, तो सी पी किसके इक्वल है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो सी पी की जगह सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ गई। अब चेक करें, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों कैपेसिटर क्योंकि पैरेलल में है तो वी की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। तो ये आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट शो करता है।